is all Mishra Bala case completed 5 years. What do you want to say? I want to say ki all Balaji ko pehle to congratulations I want to say. I want to tell them happy birthday. It's very nice that they've completed 5 years. Five glorious years actually. आसान नहीं है एक OTT platform के लिए खड़ा रहना इतने time तक. When there's so much, so many other platforms which are taking over, like Netflix is there, Amazon is there, but still, all Balaji has stood up and they have given us some amazing content. और मैं चाहूँगा कि पांच की जगह 500 साल ऑल्ड बालाजी जिए और जिए और ऐसे ही कंटेंट बनाते रहे और हम सबको ऐसे एंटरटेन करता रहे. लॉकअप के शो के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही खतरनाक शो है, बहुत ही हसीन शो है. इतना आसान नहीं होता है इतने दिनों तक अपने घर वालों से दूर रहना और टास्क करना और अच्छा परफॉर्म करना और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना. बट जो भी लॉकअप की टीम है बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही प्रोफेशनल है एंड बहुत ही बहुत वो चीज़ें देती हैं जो ऑडियंस को चाहिए और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है. एंड आई एम रियली हैप्पी लॉकअप में आने के बाद एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है. एंड हाउ डज इट फील, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑल्ड बालाजी एज पंजबिट, सो हाउ डज इट फील टू कम बैक? इट फील्स लाइक आई एम बैक होम. इट फील्स वेरी very good, it feels very nostalgic. The first ever screen presence I had was from Old Balaji aur uske liye main hamesha aabhari rahunga Old Balaji ka. maine mere parivar ne sabne Old Balaji bahut acche se download kiya tha aur aaj bhi unke phone mein wo chal raha hai. And do you have a personal favorite contestant inside that lockup? Yes, I do have a personal favorite contestant. My favorite is Zeeshan. He's a very good friend of mine, we work in the same show. And the second favorite is Munawar is doing very well. Bahut hi, I like his presence of mind. I like his calmness. I like the way he is addressing the problems of the house, of the jail. Sorry. And how do you see Kangana ma'am as a host? Kangana ma'am बहुत खतरनाक है, बहुत fierce है, बहुत strong, बहुत powerful इंसान है. मुझे नहीं लगता Kangana ma'am से बेहतर कोई इस show को host कर सकता है क्योंकि वो खुद इतनी badass है, वो खुद इतनी fierce है, उनको नहीं डर लगता कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या बोला जाएगा, जो उनके दिल में है, दिमाग में है, वो चीज़ बोल देती हैं वो. रियलिटी शोज के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी रियलिटी शोज करता है तो उसमें लिंकअप्स की खबरें भी आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी कितनी लिंकअप की खबरें आ रही है? इस बार आपको लग रहा है कि लिंकअप है? मुझे पता नहीं है कि कौन लिंकअप है, सभी साथ में ही रहते हैं, आपस में रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, कौन किससे कम मोहब्बत करता है. बट अभी मुनावर और मेरे ख्याल से अंजलि की कुछ कहानी निकल के आ रही थी, तो लेट्स सी वेयर दैट एंड्स. एंड हाँ, रियलिटी शो में क्योंकि अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा, घर वालों से बहुत दूर होते हैं, तो कहीं पे भी थोड़ा सहारा मिल जाता है तो वो लोग ले लेते हैं, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस. एंड या लेट्स सी हाउ इट गोज, हम कुछ कह नहीं सकते अभी. फ्यूचर में अगर आपको भी मौका मिला कोई रियलिटी शोज करने के लिए, ऑलरेडी आपने पंजीकृत किया हुआ है, जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो पता नहीं, नेवर से नेवर. आई डोंट नो कि अगर मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, वो उस मोमेंट पे मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उस मोमेंट पे मुझे क्या लग रहा होगा, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मुझे क्या कहेगी करने के लिए, वो मैं कर लूँगा. तो अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस. चलो रोल. अरे रुको यार, रुको विशाल, मैंने पहले रोल नहीं बोला भाई, तेरे बंदे ने बोला, मैंने नहीं बोला. अरे पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ. पूरा पीडीएफ वाला लुक लग रहा है भाई. लॉकअप में आए हैं तो एकदम वो पुलिसिया बन के, और साथ में वही मिलिट्री आउटफिट, वही लुक है, वही फील है, तो डिफरेंट आई क्या मैंने इस बार. चलो सी यू ओल्ड बालाजी, 5 इयर्स कंप्लीटेड हो गए. यू आर आल्सो एसोसिएटेड जी. मैंने तीन शोज किए ओल्ड बालाजी के, एक क्रैश था, एक ओल्ड बालाजी का क्लास ऑफ 2020 था, और इसका सेकेंड सीजन भी आ रहा है एक दो महीने में. तो तीन शोज कर चुका हूँ मैं. एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला कि मैं ओल्ड फैमिली का हिस्सा बना, और आज सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हैं लॉकअप के अंदर, तो बहुत खुशी की बात है. लॉकअप के अंदर आप पुलिसमैन की जैसे थोड़ा दिखा सकते हो कैमरा में?
तो ये कुछ स्पेशल लग रहा है जी? हाँ ऑब्वियसली मैं भाई कैदी बन के तो जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो वही कैमोफ्लाज लुक, मिलिट्री आउटफिट तरह का, और साथ में पुलिसिया की जैकेट पहनी मैंने, कि कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ जैसे पुलिस आ रही है. तो वैसे शो बहुत ही अच्छा कर रहा है. आई थिंक नंबर वन शो है डिजिटल मीडिया पे, तो बहुत बड़ी बात है और सक्सेसफुल शो है, तो उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ. और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुनावर, बहुत अच्छा है वो, बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है वो, और लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसके अंदर, बहुत अच्छा कर रहा है, और मास्टरमाइंड जो कह सकते हैं लॉकअप का, वो वही है. कंगना मैम तो अब सबको ही पता है कि जो उनके मन में आता है वो बोलती है, जो उनके मन में आता है वो करती है. बहुत अच्छा शो चल रहा है उनकी वजह से, तो लोग भी उनको देखना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी होस्ट है वो. ओके, सो आपको कभी हम देख सकते हैं लॉकअप के शो में इन फ्यूचर? आप ऐसे ही मुझे देखेंगे हमेशा, ऐसे ही, या तो एज अ जेलर आ सकता हूँ मैं, वैसे उस तरह से देख सकते हो, पर एज अ कंटेस्टेंट मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं लॉकअप करूँगा. टॉप थ्री में किसको देखते हो? मुझे टॉप थ्री में मुनावर लग रहा है, के वी भाई लग रहे हैं, और आई थिंक और टफ है, थर्ड नाम लेना टफ है. जो मुनावर के साथ जो पेयरिंग हो रही है, हाउ डू यू सी दैट पेयरिंग? डू यू थिंक दिस पेयरिंग इज रियल और बट दे आर डूइंग जस्ट फॉर गेम? एक्चुअली मैंने भी एक शो किया, रियलिटी शो बिग बॉस, तो ऐसे ही मैंने देखा है और लोगों को भी देखा है कि वो ऐसे एक टाइम के बाद फीलिंग आ जाती है, तो मैं उसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, बट आई थिंक वो रियल ही लग रहा है सब कुछ. वुड यू लाइक टू शेयर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी जैसे कि मैंने बोला कि क्लास ऑफ 2020 का सेकंड सीजन आना, वर्ल्ड बालाजी का ही है वो शो, एक महीने में आ जाएगा, और बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स मैंने की है, एक फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, मेरी खली वाली उसका नाम है. सो यार बहुत चीज़ें हैं और बाकी जो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बोलना अलाउड. थैंक यू सो मच. थैंक यू आप पीछे से हट जाइए मैडम. मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है टू सी बालाजी, ऑल्ड बालाजी ग्रो एंड कंप्लीट 5 सक्सेसफुल ईयर्स. And I have been a part for a really long time. मतलब 4 साल हो गए मुझे ऑल्ड बालाजी के साथ, तो बस बहुत खुशी हो रही है. एंड आई वुड विश ऑल्ड बालाजी टू कम्प्लीट अ लॉट मोर ईयर्स ऑफ सक्सेस. एंड एकता ऑफ कोर्स लव यू. सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट एकता मैम? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वाइल आई हैव नॉट मेट हर. शी इज बिन रियली बिजी, आई हैव बिन रियली बिजी शूटिंग, सो वी विल बी ऑन सेट टुगेदर आफ्टर रियली लॉन्ग. तो हाँ खुशी, एक्साइटमेंट दोनों. लॉकअप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बहुत क्रेजी है, बहुत एंटरटेनिंग शो है. सब लोग इतनी मतलब तेजी से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, एंड दे आर वेरी कंपेटिटिव, एंड या इट्स अ रियली गुड शो. इज देयर एनी पर्सनल फेवरेट? या देयर आर टू एक्चुअली, देयर इज मुनावर एंड देयर इज ज़ीशान, बोथ आर रियली गुड. Kangana is always brilliant. I love her performances. I love how honest she is and how upfront she is. And I think this is the best show she's hosting because she just has to be herself. Top 3 mein aap kisko dekhte ho? Top 3 mein I would see Zeeshan, Munawar and Zasha. Thank you so much. Thank you. Hello, one to one.